हम ना पोटैटो स्टिक्स जो हैं, जो चीज बॉल्स हैं, ये मेरे बचपन से हैं और मेरा बचपन जो है बहुत I can see the connection with food and bad childhoods. I can make it. Yeah, now I can make it in my head. Rude. A prominent ingredient in the way that they kind of dry up the noodle, like the consistency of the noodles themselves. So it's like not escapable. The fact that you are giving your child lead poisoning or something by consuming those. We have so many, bacteria, good, bad bacteria living in our mouth, right? As we talk right now. So, we don't know ye kya hai, kya nahi hai. Ye snacks chahe utne bure na ho, jitni humari usual GMO और यू नो सॉल्ट फिल्ड डाइट्स हैं. पैकेट का दूध भी इतना खालिस नहीं है, कुछ भी इतना खालिस तो उस तरह से रहा नहीं है. तो इंसान बिस्मिल्लाह फूंक के खा ले जो भी खाना है उसने. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू कॉफी के लाइव शिजा एंड वी हैव ऑन नवेदा. और आज हम जो हैं बात करने वाले हैं ऑन द यू नो द फूड प्रोडक्ट्स जो के आर नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, जो स्नैक्स थे. तो सिंध फूड अथॉरिटी कहती है कि बहुत सारे स्नैक्स हैं जो हम बचपन से खाते आ रहे हैं हम ना, तो कहते हैं ये नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है. सो व्हाट डू यू से? आई थिंक दैट ये सीक्रेटली सबको पता था मगर वो फिर भी खाते जा रहे थे. आई मीन इफ यू लिव ऑन देम फॉर टू लॉन्ग यू प्रोबब्ली डोंट लिव वेरी लॉन्ग आइदर. सो यार लेकिन बात ये है कि ओके सो दिस इज थिंग गोइंग ऑन. तो आपको पता है कि हमारा एक देयर इज दिस ग्लोबल बॉयकॉट मूवमेंट गोइंग ऑन, राइट? उस लिस्ट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से टिक मार्क हो जाती हैं, देन यू डोंट गेट टू ईट देम. मतलब स्नैकिंग करनी है ना आपने. सो अगर हम पाकिस्तान के भी इतने सारे अपने लोकल प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम कह दें कि ये भी उसी में चेक इन द बॉक्स में आ रहे हैं कि ये तो आप खा ही नहीं सकते, आप खाएँ या बकरी खाएँ या मतलब यू नो सो यू शुड नॉट बी ईटिंग देम. सो व्हाट हैपेंस देन? Then probably we will look for better alternatives. If we ban the thing that's poisoning us, I think there's not an option but to ban the thing that's poisoning us, no? Yeah, लेकिन ये क्या सो रहे थे? Potato chips, I think. हम ना potato sticks जो हैं, जो cheese balls हैं, ये मेरे बचपन से हैं और मेरा बचपन जो है बहुत apparently the entire country has had so much bad childhood that they needed poison to make it a little bit palatable for them. They needed actual poison in the shape of chips. लेकिन ये क्या इससे पहले तक क्या जी people were sleeping, ये किधर थे इनकी authorities? एकदम से अच्छा हमारे strange thing है, एकदम से ना इन लोगों को जाग आ जाती है और जाके restaurants को बंद करना शुरू कर देते हैं. Not fit for human consumption है फलानी जगह, not fit for इसकी hygiene अच्छी नहीं है. मतलब I don't know, या तो ये थे साथ साथ ये वाले regulatory अपनी checks रखते हो ना. एकदम से सोकर उठते हैं, इन्हें याद आता है इस तरह की कोई न्यूज आती है और फिर उसके बाद देख उठती है. या मतलब कि हाँ, ये काफी रिकरिंग हैबिट है मार्केट से. क्या ये स्नैक्स नहीं है ना ये सब? It is very, yeah, it's like they, one day they get an epiphany, they're just like, oh, we need to shut these things down, and then they just go and they close everything. And yes. It's very irritating. I completely agree. But No, you tell me your child. More, tell me more about your childhood and how. No, you I'm not telling you anything about my childhood. But the thing is कि देखो जो ये वाले हैं मतलब कि you and me we are probably privileged enough कि हमें चीज आ जाती है, news पे आ जाती है हमारे पास. कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है मार्केट में, तो स्टिल अभी भी अवेलेबल है ना. तो पीपल हु डू नॉट हैव द मीन्स टू यू नो गेट सच इंफॉर्मेशन वो क्या करें?
वो तो खा ही जा रहे हैं ना, अभी भी खा रहे हैं। तो हुकूमत की क्या सिर्फ लिस्ट निकालना तो जिम्मेदारी नहीं थी ना, उसके आगे वाला काम भी कुछ आई थिंक इम्पोर्टेंट था, जो कि हमने कहा कि खैर है उसकी खैर है। सो लिस्ट निकाल के आई डोंट नो, दिस सीम्स लाइक वन ऑफ द यू नो टेस्टर्स जो हमारी हुकूमत डालती है कि यू नो लेट्स सी के हाउ पीपल रिएक्ट एंड हमें व्हाट डू यू थिंक आई एम ना या आई एम जस्ट थिंकिंग टू बोथ बट मोस्टली यू आर थिंकिंग द राइट टू मच on the right direction, I feel, considering. Listen, I just want to say that I always felt like, सबसे पहले तो हर किसी को पता था ये जो noodles होती हैं जो shoppers में वो 5 minute cooked noodles होती हैं, उनके अंदर तो mercury होता है ना, उनके अंदर तो mercury होता है, चाहे वो कोरिया से क्यों ना उन्होंने मंगवाई हो, the mercury doesn't, like the mercury is a prominent ingredient in the way that they kind of dry up the noodle like the consistency of the noodles themselves, so it's like not escapable the fact that you are giving your child lead poisoning or something by consuming those, and also the fact that like you saw the video that I sent you right, उस नूडल्स के अंदर वो चाहे जितना भी कुक कर ले, वो चाहे लाइक हॉट वाटर के अंदर भी कुक कर ले, जो उसके अंदर कीड़े हैं वो जो उसके ऊपर चिपके हुए हैं वो मरते नहीं हैं, इवन इफ यू कुक देम दे डोंट डाई, व्हिच इज इनसेन। ओके सो व्हेन आई सी वीडियोस लाइक दैट व्हिच ऑफ्टन आई डोंट नो व्हाई एंड अप ऑन माय फीड वेरी वेरी ग्रॉस एंड डिस्गस्टिंग, बट द थिंग इज के the thing is ki I don't know ki ye is it good bacteria is it bad bacteria, because you know see I mean the idea is ki hamare in our oral cavity we have so many you know bacteria, good bad bacteria living in our mouth right as we talk right now, so we don't know ye kya hai kya nahi hai, so if you look through microscope I don't know what that is, because I am not you know trained enough, I am not knowledgeable enough to know ki kya cheez hai kya cheez nahi hai ye, so video thi that was fine, but the thing is ki uske andar ka kya hisab kitab chal raha hai, what is that stuff moving around, of course it grosses me out, but then they do say ki there is some good bacteria that's supposed to stay with you, some bad bacteria I don't know what, it's just trust me all of that was bad bacteria, trust me all of that was bad bacteria. Can you tell between a good and a bad bacteria? Are you trained enough? Can you distinguish between the two? I cannot. If I look through a microscope, I'm not sure. The only kind of bacteria that I want in my life is the one that I can't see through a microscope. It needs to be much more tinier and definitely invisible, because when something is moving around and I'm trying to eat it, it freaks me out. Of course, yes. I don't know what you do, it freaks me out. No, of course it freaks me out. I don't want you sending me such videos ever again. Ek to baat hi ho gayi. That's one point registered. But then the other thing is, ke even if it's good bacteria, it's still moving, it's still alive in my mouth. That disgusts me as well. I mean, it's the same amount of disgust. I have, you know, I cannot, my disgust does not differentiate between ye gunda hai bacteria ya acha bacteria. Just rubbish stuff moving should not be. So, I mean, Fair enough. I'll give you that. So, I mean, stuff is moving, should not move for God's food. So, that's there. Lekin ye hai ki, I think ki ye jo, you tell me, ke, what about the snacks? Ye snacks kaafi popular hai. जो मैं खाती थी वो तो सिर्फ बाहर से मैं मंगवाती थी, तो फिर मैं खाती हां वो डोरिटोस तुम खाती थी वो जो चार मतलब वो जो ठीक है इतने चश्के तो जायज हैं, इतने चश्के क्यों नहीं जायज, नहीं जायज है, बट देन यू जॉइंड द मूवमेंट एंड देन यू स्टॉप कंज्यूमिंग दोस एज वेल, सो व्हाट डू यू स्नैक ऑन नाउ? व्हाट डू आई स्नैक ऑन? डिड यू नो दैट देयर आर अबाउट 210 फ्लेवर्स ऑफ ओरियोस? Did you know that? They have strawberry cheesecake Oreo. Yeah. You're going to find that out, by the way. Or your children are going to make sure that you find out. I don't know. I don't like Oreo.
in a few weeks when you go, when you're just like, oh my god, like yahan pe to matlab ke itne important facts hain, like ye kya Pakistani kachra tum log khate ho, guns proper. I'll just be like, yeah, but sure, you know, Pakistani kachra is very nostalgic as well na, because hamare jo so talking about the Pakistani junk that we eat all the time, so do you know kokomo ki ek single wrapping aa chuki hai. इसके अंदर सिर्फ एक कोकोमो for real. So recently क्या हुआ था, आई केम अक्रॉस अ ट्वीट बाय मिफ्ता इस्माइल. तो उसने ना लिखा हुआ था कि माय न्यू पार्टी इज कमिंग अबाउट, तो आप उसको सपोर्ट करेंगे. वो तो किसी ने नीचे उसको कहा कि हाँ अगर हम सपोर्ट करेंगे तो क्या हमें कोकोमो फ्री में मिला करेगा, या कोकोमो की क्वांटिटी बढ़ा दोगे. उसने आगे से साफ रिफ्यूज कर दिया. उसने कहा नहीं नहीं कोई नहीं बढ़ाऊंगा. सो नाउ थिंग इज के उसने और छोटा, यू नो कोकोमो तीन आकर आते हैं ना, उसके अंदर उसने एक और छोटी पैकिंग बना दी कि सिर्फ एक कोकोमो इट. और कोकोमो की ऑब्सेशन आई थिंक हमारी पूरी यहाँ पर एक वेरी फनी गाय, वेरी फनी फनी मैन ही इज ऑनेस्टली. What a practical joke only this is. Who does anything with one kokomo? You can't even enjoy one kokomo with one kokomo. I don't want to know him. I'm not voting for him. And then वो जो है, I mean even you see हमारे chili मिली जो है इतना पुराना है, chili मिली उसके chili हो गया. It's like, oh my god, I love chili mili. Chili mili was such a vibe. I love chili mili. I love chili mili. But then उन्होंने chili mili को इतना छोटा कर दिया, वह इतना छोटा कर दिया कि आपने. We're not helping these people give up these drugs. Listen, आप लोगों को मैं जॉर्डन का नंबर देती हूँ. वो अभी तो जेल कैद के अंदर है क्योंकि obviously government ने सोचा कि ये इतनी profitable business नहीं होनी चाहिए. But इससे बेहतर है कि आप असली ड्रग्स कर ले, कि आप ये चीजें खाते रहे और कोई रोकथाम के लिए आपको जो है लाइक फील ना हो कि ओ नो वी आर पॉइजनिंग आवरसेल्व्स, यू एक्चुअली आर. अच्छा ठीक है, फिर मैं क्या खाया करूं, सिर्फ खाया करूं उसकी जगह. व्हाट डू यू वांट मी टू डू, व्हाट डू यू वांट मी टू डू आप ना. I want you to understand that you will have better options in a few weeks if you're talking about what you want our audiences to do. Our audience should probably switch to veganism. That's what they should do. Yeah, they should all become vegans because that's the future. And to what end? Kis khushi mein? I don't know. It's just everyone, like, the world is shifting towards different diets. I think people should just consider maybe that they're just eating like gand all the time. And it's not updating. It's not updated gand. It's like proper gand. The gand that you... Yeah, even if I do, you know, make... let's say, ghaspus khana shuru bhi kar do. So, what is the... Kya main ghaspus sab khud ugaya bhi karu kya? उन्होंने अंडा भी प्रॉपर ना, मतलब एक प्लास्टिक एग जिसको कहते हैं वो बनाना शुरू कर दिया हुआ है. दे हैव स्टार्टेड टू यू नो मैन्युफैक्चर लाइक लैब ग्रोन मीट, बेसिकली लैब ग्रोन मीट है ना, नॉट द मीट, इवन कैबेज, बंद गोभी जो है ना आपकी, इवन वो भी उन्होंने इस तरह से करना शुरू कर दिया. सो दिस इज व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, आई मीन एवरीथिंग इज वी आर ईटिंग फिल्थ, व्हाटएवर डाइट यू आर ऑन. डाइट प्लान देखते हुए आई डोंट नो व्हाट टू रेकमेंड. इफ यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्नैक्स दैट आर बैड, आई रियली थिंक के ये स्नैक्स शायद उतने बुरे ना हो जितनी हमारी यूजुअल जीएमओ और यू नो सॉल्ट फिल्ड डाइट्स हैं. दूध भी खालिस नहीं है, लाइक पैकेट का दूध भी इतना खालिस नहीं है, कुछ भी इतना खालिस तो उस तरह से रहा नहीं है. तो इंसान बिस्मिल्लाह फूंक के खा ले जो भी खाना है उसने. मद्देनजर रखते हुए हमारे ना हुकूमत ने कहा कि कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है, शेल्फ पे सब कुछ पड़ा रहे,
It's fine. They will manage. I think हमारी bodies इतनी used to हो जाती हैं इन सब चीजों से that it doesn't affect us the way that people assume that it will. So that makes us pretty lucky. I mean, no, it does not. Yeah. It has an impact on your health, of course. ऐसा तो नहीं हो सकता ना आपका पूरा genetic जो build-up है वो तो change नहीं हो सकता if something is wrong or not fit for your consumption. उसका कहीं ना कहीं तो impact आता है ना. कितना ही आता होगा. काफी आता होगा. I mean, आप देखो, obesity कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है. When I was growing up, children were not obese. Your children are not obese. My children are not obese, but I do see children who are obese around me, right? So it's eyes. कोई ना कोई impact आता होगा ना. मतलब आप. Well, the only solution for those children is that you basically bully them because you need to give them a bad childhood so that they can eat trash and then kill themselves because of you bully them at home. That's the way that you get children to stop being obese is that you make them feel bad about themselves and then they start eating more of the junk. You know, do know people jinhone is time par bhi, I mean, as we talk, they put their children on diets. Itne chote chote bachche hote, they're not even teens. So, matlab 8 saal ke, 7 saal ke bachchon ko unhone diet pe dala hua hota hai. I mean, I think that's ridiculous. And of course, kahin na kahin is cheez ka koi na koi impact aapke upar aata hoga. Jo ke probably pehle nahi hota hoga because of the snacking that we do. I'm like, you agree with me? Of course I agree with you. Of course I understand that this country has an issue with food because food is not nutritious at all over here. It just tastes good. Thank God for the fact that it tastes good. It does. It tastes good. Yeah. That's my ending note. It tastes good. It tastes good. Okay, so if you say so. So for another time, I'll drop the fight right now because I'm just about to enter a fight with you. So I think for next time, we'll short them. Thank you everyone for joining. Do let us know what you think. And with this, we'll see you. Allah.